जय श्री प्रभुपाद की, जय जन्माष्टमी महामहोत्सव की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री श्री गिरधारी दाऊ जी भगवान की। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत इस पावन अवसर पर। हम पिछले जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने गौशाला में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कर पाए थे जन्माष्टमी पे, लेकिन परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, तो इसलिए जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से ठाकुर जी का हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं इस आज के दिन। तो हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे भगवान के। आज क्या है भगवान का? प्रभु जी ने कहा प्रकाट्य दिवस, आपने कहा जन्मदिन, तो क्या अंतर है इन दोनों? चलिए ठीक है। भगवान भगवत गीता में चौथे अध्याय के नौवें श्लोक में कहते हैं, तो उस श्लोक में भगवान ये पूरा अध्याय जो है चौथा, आप गीता पढ़ते हैं अगर या नहीं पढ़ते तो पढ़िए, जो चौथा अध्याय है वो दिव्य ज्ञान। भगवान पहले कर्म योग बताते हैं, हैं? फिर दिव्य ज्ञान देते हैं चौथे अध्याय। तो दिव्य ज्ञान का अर्थ है वो ज्ञान जो इस संसार से परे, दिव्य उसी को कहते हैं जो इस संसार से परे। इस संसार का ज्ञान ज्ञान तो है लेकिन वो दिव्य नहीं है। दिव्य वो होता है जो कभी नाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको दिव्य कहते हैं। इस संसार का ज्ञान बदलता रहता है, कितना ही चाहे कोई बड़ा बड़ा साइंटिस्ट हो, हैं, या स्कॉलर हो, वो आज एक मत प्रस्तुत करता है और थोड़े दिनों बाद वो मत उसका बदल जाता है, बोले ऐसा नहीं ऐसा है, फिर उसके आगे कोई और आता है वो कहता है ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये मत प्रतिदिन बदलते रहते हैं। तो इस संसार का ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान नहीं है। तो दिव्य ज्ञान कौन सा है? जो इस संसार के हैं परे है। तो भगवान उसी ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने भगवद गीता में चौथे अध्याय में पहले श्लोक से ही अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मैंने ज्ञान है जो तुम्हें दिया है या दे रहा हूँ, हैं, अर्जुन को ज्ञान दिया ना भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो ये जो तुम्हें ज्ञान मैं दे रहा हूँ ये ज्ञान तुम ऐसा मत समझो कि पहली बार दे रहा हूँ। ये ज्ञान मैंने कब दिया है? आज से 12,000 करोड़ वर्ष पूर्व। कितना? 12,000 करोड़ वर्ष पूर्व मैंने यही ज्ञान किसको दिया था? सूर्य देव विवस्वान को दिया था। सूर्य देव, तो ये ज्ञान भगवान ने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। अगर ये दिव्य ज्ञान नहीं होता है तो ये ज्ञान सूर्य देव को दिया हुआ कैसे होता? 12,000 करोड़ वर्ष को वही ज्ञान आज वो दे रहे हैं, ठीक है। तो भगवान इसे पूरे अध्याय में अपना वर्णन कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से ये ज्ञान आगे के आगे चलता है। ये ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया, उसके बाद ये परंपरा में राजऋषियों की परंपरा में नीचे आता गया है, युग के साथ आता रहा, और बीच में ये कालांतर में ये ज्ञान नष्ट हो गया क्योंकि राज ऋषियों की परंपरा नष्ट हो गई, उसके बाद ये ज्ञान लुप्त हो गया था। ज्ञान तो था लेकिन क्या हो गया? लुप्त हो गया। जैसे नीचे कोई चीज दब जाए और उसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ जाए तो अपन कहेंगे वो चीज दब गई है, लुप्त हो गई है। तो ऐसे ही ज्ञान लुप्त हुआ तो ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, नष्ट होना और लुप्त होने में फर्क होता है। लुप्त हुआ था तो वही ज्ञान भगवान द्वारा से अर्जुन को देते हैं, गीता का ज्ञान, ठीक है। तो इसी ज्ञान के अंतर चलते 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 दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, पांचवा श्लोक, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, नौवें श्लोक में आकर के भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले भगवान बताते हैं अपने बारे में पांचवें श्लोक में और छठे श्लोक में। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन को डाउट हो गया कि जब उन्होंने कहा 12,000 करोड़ वर्ष मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, तो अर्जुन पूछते हैं क्या बात कर रहे हो, तुम तो मेरे साथ के हो,
हम एक ही साथ हमारा लगभग जन्म हुआ है, एक ही साथ हम खाते रहे हैं, एक ही साथ हम लेटते भी रहे हैं, घूमते भी रहे हैं, तो कैसे बोल रहे हो ये सब, है ना। तो फिर भगवान उसको क्लेरिफाई करते हैं, देखो हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, ठीक है, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज का याद नहीं है, तुम्हें कोई भी जन्म की चीज याद नहीं, और मुझे हर जन्म की, हर समय की और हर चीज, हर वस्तु मुझे याद है, ठीक है। फिर अगले श्लोक में भगवान उसका कारण बताते हैं कि क्यों याद है, अर्जुन को क्यों नहीं याद, या हमको क्यों नहीं याद रहता, पिछले जन्म का तो छोड़ो, इसी जन्म का नहीं याद रहता, और इसी जन्म का भी छोड़ो, इस साल का ही याद नहीं रहता, इस साल का भी छोड़ो, इस महीने का, पिछले महीने हम इस क्या कर रहे थे वो नहीं याद रहता, उसको भी छोड़ो, एक सप्ताह पहले हमने इस समय क्या कर रहे थे वो याद नहीं रहता है, किसी को याद तो बता दो, मुझे तो याद नहीं, आपको हो सकता है याद हो, और उसको भी छोड़ो, कल इस समय क्या कर रहे थे ये भी आपको याद करने के लिए सर को जाना पड़ेगा, सोचता हूँ बताता हूँ कल क्या कर रहा था इस समय, है ना। तो हमारी याददाश्त जो है ना समय के साथ शरीर के साथ बदलती रहती है, हमारा शरीर क्या है, भौतिक है, संसार की मिट्टी गारे का इसका बना हुआ है, और ये खत्म होता रहता है, ठीक है, हमारे शरीर का ये समस्या है, इसलिए हमको जो पिछला निकल गया वो हमको याद नहीं रहता। उसी प्रकार से अर्जुन को भी, चाहे भगवान के वो संगी हैं, साथ में रहते हैं, फिर भी वो जीवात्मा है, उसको हर जन्म की चीज याद नहीं रहती, भूल जाता है, ठीक है। लेकिन अब भगवान अपनी बात कहते हैं, मुझे नहीं याद, मुझे सब याद रहता है, क्यों याद रहता है, हमें क्यों नहीं याद रहता, हमें इसलिए नहीं याद रहता कि हमारा शरीर बदलता रहता है, बदल जाता है, ठीक है, पहले जन्म में कोई और शरीर था, अभी कोई और शरीर है, और इसी जन्म में हमारा शरीर कितनी बार बदल चुका है, क्यों प्रभु जी, अभी आप 70-75 साल के हैं, या मैं भी कोई 60-65 के आसपास घूम रहा हूँ, तो हमारा बचपन का शरीर जो था, क्या वो शरीर है हमारा अभी, क्या वो हमारा मन है अभी, क्या हमारे विचार वो हैं अभी, नहीं, तो हमारा शरीर के साथ सब कुछ बदलता रहता, लेकिन भगवान का कुछ नहीं बदलता, क्यों नहीं बदलता, कि उनका शरीर नहीं बदलता, उनका शरीर और आत्मा एक ही रहता है, उनके शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं, हमारे शरीर और आत्मा में क्या है, भेद है, आत्मा अलग है और शरीर, हम शरीर को धारण करते हैं अपने गुणों और कर्मों के आधार पर, अपनी चेतना के आधार पर हम इस संसार से शरीर को प्राप्त करते हैं, जो कि समय समय पर नष्ट होता है, हर जन्म में ये नष्ट होता है, हर जन्म को हमको कुछ किसी दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है, 9 महीने वहां पे सड़ना पड़ता है, फिर संसार में आते हैं, फिर वही सुख दुख के चक्कर पड़ जाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ही घूमते रहते हैं, है ना। लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं, एक ही है, वो चाहे किसी भी शरीर में चले जाए, आप जानते हैं भगवान के कितने शरीर हो चुके हैं, कितने उन्होंने रूप लाए हैं, 2-4 नाम बताइए आप लोग, भगवान किन किन रूपों में संसार में लीला करने आते हैं, नरसिंह अवतार, राम अवतार, बरहा अवतार, बरहा अवतार सुना आपने, बरहा अवतार, मत्स्य अवतार, शुक्र अवतार, वही मत्स्य अवतार हो गया, शुक्र अवतार हो गया, शुक्र अवतार और वामन अवतार, ठीक है ना, नरसिंह हो गया, तो ऐसे भगवान के बहुत से अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, गुणा अवतार होते हैं, सत्याभिष अवतार, बहुत अवतार होते हैं, कुल मिला के भगवान का हर लीला में शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता, इसलिए उनको हर जन्म की हर बात, हर व्यक्ति की हर बात याद होती है, और वही भगवान हमारे भी शरीरों में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हमको जानते हैं, वो आपके हृदय में भी वही है, उनके भी हृदय में वही है, उनके भी वही है, मेरे भी हृदय में वही है, परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण जो है हमारे हृदय में भी बैठे हैं, वो हमारी हर व्यक्ति की हर बात जानते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की बात को नहीं जानते,
ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान जो है, उनका दो बातें हैं, एक तो वो अजन्मा है, दूसरा अव्यय है, यानी कि उनका शरीर नष्ट नहीं होता, वो दूसरे अजन्मा है, लगते हैं अपने को जन्म लिया लेकिन वो जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, ठीक है। इसका हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अब इस प्रश्न ये है कि इस ज्ञान में भगवान आगे नौवें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, आप थोड़ा ध्यान पर सुनिए, भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में, जो व्यक्ति मुझे, मेरे कर्म और जन्म को, मेरे कर्मों और जन्मों को तत्व से जानता है, उस व्यक्ति का दोबारा इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता, और क्या होता है, वो मेरे धाम में प्रवेश करता है। श्लोक इस प्रकार है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यावेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनं जन्म नाएति मामेति स अर्जुन। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव, आविर्भाव आज आविर्भाव दिवस है भगवान का, आविर्भाव बोलते हैं इसको शुद्ध संस्कृत हिंदी में, आविर्भाव,